चंबा साहू मार्ग पर गत देर रात पुलिस की एसआईयू सेल की टीम ने 819 ग्राम चरस सहित दो लोगों को दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है। आरोपियों को पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की पहचान सावरिया निवासी गांव घड़ेतर और भगत राम निवासी गांव भटवाड़ के तौर पर की गई है। जानकारी के अनुसार एसआईएसयू सेल के प्रभारी परमेश शर्मा की अगुवाई में सुंगल जीरो प्वाइंट पर नाका लगा रखा था। इसी दौरान वहां से पैदल गुजर रहे दो लोग पुलिस टीम को देखकर घबरा गए। पुलिस टीम ने दोनों की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर तुरंत हरकत में आते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर इन दोनों की तलाशी के दौरान 819 ग्राम चरस बरामद की। उधर डीएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा ने 819 ग्राम चरस सहित दो लोगों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। एसआईयू की टीम सुराग बुरारी और गश्त के लिए गई हुई थी, तो साहो के नज़दीक उन्हें रात के समय सुंगल रोड से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने पूछताछ की तो वो व्यक्ति घबरा गए और जब उनसे नाम वगैरह पूछा तो एक ने अपना नाम सवारिया पुत्र मूसा रेजिडेंस गडेयर डाकघर कलोनी और उम्र 36 साल और दूसरे ने भगत राम पुत्र देवी सन रेजिडेंस भटवाड़ जिला चंबा का बताया जिसकी उम्र 42 साल। उनके घबराहट का कारण पूछा तो वो थोड़े और नर्वस हो गए, जिस पर उनकी जब उनका जो सामान था उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 819 ग्राम जो है चरस बरामद की गई है और इनको इस आरोप में एनडीटीएस की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और इनको पेश आज किया जा रहा है कोर्ट में। धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।